इस सुपरमार्केट के हर आइटम में एक चीज कॉमन है, क्या आप सोच सकते हैं वो क्या है? जी हाँ, एमआरपी टैग, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का लेबल, जिस दाम के ऊपर वो वस्तु नहीं बेची जा सकती। और ये दाम कौन तय करता है? उत्पादक तय करता है वो अपना सामान कितने में बेचेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि किसानों को अपने फसल की कीमत तय करने की आजादी नहीं है? जी हाँ, आपने सही सुना। जिस अनाज से आपका हर रोज खाना पकता है, पेट भरता है, उस अनाज को बाजारों में सही कीमत पर बेचने के लिए किसानों के पास आजादी नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि भारत में ही नहीं पर कई अन्य देशों में अधिकांश किसान अपने उत्पादन लागत को ही पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमाते हैं। सोचिए, दिन पर दिन सालों साल उत्पादन करते रहना बिना किसी आश्वासन के कि आप अपने उत्पाद से मुनाफा कमा पाएंगे या उसे बेच पाएंगे ही या नहीं, इससे किसान पर क्या असर पड़ता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार पिछले 10 सालों में 1,00,000 से अधिक कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यानी पिछले दशक में हर रोज औसत 30 किसान अपनी जान ले लेते हैं। इससे दुखद बात और क्या हो सकती है? लेकिन ये त्रासदी टाली जा सकती थी अगर किसान अपनी फसल MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बेचने को विवश नहीं होता। हर साल कागज पर तो सरकार ने 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, पर हकीकत में सिर्फ धान और गेहूं और कुछ ही और फसलों को MSP पर किसानों से खरीदती है, और वो भी हर वक्त और हर जगह नहीं। इसलिए किसान कई सालों से मांग करते आ रहे हैं कि MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए। अगर MSP को कानूनी बनाया जाता है तो ये कृषि उत्पादों के लिए सही प्राइस टैग बन सकता है। दिवंगत कृषि विशेषज्ञ MS स्वामीनाथन ने MSP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला था, जिसे C2+50 फॉर्मूला कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें उनकी फसल लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। किसान भी यही मांग रहे हैं। सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया है, पर उनके फॉर्मूले से मुंह मोड़ लिया है। जिस तरह हमें MRP पर चीजें खरीदने का अधिकार है, वैसे ही किसानों को भी अपनी फसलों को MSP पर बेचने का हक है। अगर औद्योगिक घराने अपनी उत्पाद मनचाहे कीमत पर बेच सकते हैं, तो किसान अपनी उपज सही सुनिश्चित दाम पर क्यों नहीं बेच सकते? उन्हें मार्केट की मर्जी पर क्यों छोड़ा गया है? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? MSP का ये मतलब नहीं कि सरकार किसान की सारी फसल खरीद ले, बल्कि कानूनी रूप से ये सुनिश्चित करे कि MSP के नीचे किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर नहीं होगा। MSP किसानों का अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए उन्हें हमारे सहयोग की भी जरूरत है। हम किसान का उगाया खाना तो खा लेते हैं, पर उसके अधिकार की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते?